जांजगीर जिले के नगर पंचायत नवागढ़ में संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की मनमानी से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षक स्कूल से हमेशा गैर मौजूद रहते हैं। इतना ही नहीं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। शिक्षकों के इस बर्ताव से परेशान नगर पंचायत अध्यक्ष ने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की है। जांजगीर जिले के सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षकों की मनमानी से छात्रों का भविष्य खराब होता नजर आ रहा है। शिक्षक ना तो समय पर स्कूल पहुंचते हैं और ना ही अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रहे हैं, जिससे छात्रों के साथ ही उनके पालक भी काफी परेशान हैं। नगर पंचायत नवागढ़ में संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पदस्थ शिक्षक अपनी मनमर्जी करते हैं। बीएमओ कार्यालय से 200 मीटर दूर इस स्कूल में शिक्षक समय पर नहीं आते। अधिकतर शिक्षक स्कूल से गैर मौजूद रहते हैं। वहीं जो आते हैं वो भी सही ढंग से पढ़ाई नहीं करवाते। शिक्षकों की मनमानी के खिलाफ नगर पंचायत अध्यक्ष ने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत कर व्यवस्था सुधारने की मांग की, ताकि छात्रों का भविष्य बर्बाद न हो। अभी बिहार में मैंने कलेक्टर और डीओ के नाम ज्ञापन सौंपा है। कुछ शिक्षक है ना यहाँ शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल और मिडिल स्कूल में, जो आए दिन अब्सेंट रहते हैं, 10 से 15 दिन अब्सेंट रहते हैं, आते हैं अपने प्रेजेंटी डालते हैं फिर चले जाते हैं। यहाँ शासकीय स्कूल में गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, इनके भविष्य के साथ इन लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ के मिडिल स्कूल से लगभग 500 मीटर दूरी में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, तब भी से यहाँ शिक्षक बेपरवाह है। इसका क्या कारण हो सकता है ये आप समझ सकते हैं। मैं आपके माध्यम से कलेक्टर महोदय और डीओ से उनके ऊपर कार्रवाई की मांग के लिए मैं गया था। अब आगे देखते हैं कि उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। जिला प्रशासन से शिकायत के बाद स्कूल की व्यवस्था सुधर जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि नगर पंचायत अध्यक्ष की शिकायत पर प्रशासन क्या एक्शन लेता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जांजगीर से महेंद्र कुमार के साथ भरत सिंह चौहान।